Galvanometer is a device which tells us about the presence of electric current. किसी सर्किट में किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देखने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस, ये इसके दो टर्मिनल हैं, जिस कंडक्टर में हमें चेक करना है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करके इस गैल्वेनोमीटर को यहां फिट कर देंगे। ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो करंट पहले डायरेक्ट जा रही थी अब गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगी और गैल्वेनोमीटर हमको बताएगा कि वो करंट कितनी है, करंट है या नहीं है और कितनी है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम है बताना। अगर ये जीरो बोलेगा तो जीरो करंट है और एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, इस तरह से इसमें इंडिकेटर लगा रहेगा, वो इंडिकेटर ऐसे चल सकता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन है। इट इज ए डिवाइस विच टेल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये किससे बनता है। ये हमने गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम लेते हैं गैल्वेनोमीटर का डिस्क्रिप्शन। गैल्वेनोमीटर किस चीज से बनता है? हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा है, क्या पहले प्रिंसिपल लेते हैं डिस्क्रिप्शन के पहले? पिछली क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट पास थ्रू इट, देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, और टॉर्क के कारण उसमें एक रोटेशनल मोशन हो सकता है। ये जो टॉर्क था ये कितना था, दैट इज द प्रिंसिपल। सो इन प्रिंसिपल वी विल से व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू, व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल placed in a magnetic field description।
एक गैल्वो मीटर, वी हैव ए कॉइल, दिस कॉइल इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, ये रोटेट कर सकती है और इसके लिए हम इसको एक फ्रेम में ऐसा लटका देते हैं और इस कॉइल के बहुत सारे टर्न्स बना लेते हैं, लाइक दिस देयर आर एन टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल ऐसी है ये इस तरह से घूम सकती है।
इज इट क्लियर? तो ये कॉइल को अगर आप देखेंगे तो ये फ्रेम में ऐसे तार लगा हुआ है, ये इस तरह से घूम सकता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये ऐसे घूमेगा इस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब कॉइल में करंट फ्लो होती है तो इस पर टॉर्क लगता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, और उस टॉर्क के कारण ये ऐसा घूमेगा। यहाँ पर हम एक इसमें स्पेशल चीज बनाते हैं एंड दैट इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और क्यों होता है इसे देखिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोल नॉर्थ एंड साउथ।
अब यहाँ पर जो खास चीज समझने की है, जो खास चीज आपको समझने की है कि इस सर्कुलर या सिलेंडर मैग्नेटिक पोल से हमको क्या बेनिफिट होता है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को आपने स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो आंसर है ये। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा देखिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके बीच में हमने ये एक आयरन का पीस रख दिया, ये आयरन का पीस रखा, ये नॉर्थ साउथ। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो, हालांकि ये चैप्टर बाद में आएगा, पर वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। इस तरह से इसके अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। ये क्या चीज है, आयरन। अब तीसरी तरह का मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये बड़ा विचित्र है। ये बना हुआ है नॉर्थ साउथ, इसमें लाइंस कैसी बनती हैं, ये आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और गैल्वेनोमीटर में भी पूछा जा सकता है। ये हमने इसमें मेटल का सॉफ्ट आयरन का कोर रखा, नॉर्थ से जो लाइन निकलेगी वो साउथ में जाएगी, मैग्नेटिक लाइन फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दोनों सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती हैं, ये दोनों का नियम है। तो यहां से जो नॉर्थ में निकलेगी वो लाइन जाएगी ऐसी टुवर्ड्स सेंटर, और यहां से जाएगी इसके अंदर, और यहां से ऐसे टुवर्ड्स सेंटर, और अंदर जाकर ऐसे, यहां से इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से निकली ये साउथ में गई, यहां से जो आएगी ऐसे और निकलेगी ऐसे, लेकिन अंदर में इसकी शेप हो जाएगी। यहां पर 90 डिग्री ये यहां से 90 डिग्री से निकलेगी इस तरह से, और अंदर में ये ऐसे, यहां से जो जाएगी टुवर्ड सेंटर, और यहां से निकलेगी ऐसे। ठीक,
ये एक्चुअली लाइन बनती है। अब ये जो लाइन बनती है ये हमको दिखती कैसी है? इसके अंदर अगर लाइनें हमको ना दिखें तो हमको ये लाइन किस तरह से दिखेंगी? देखिए ये लाइन सबको दिखने वाली है, इसके अंदर की लाइन मैं मिटा देता हूँ। मिटाने से क्या बचेगा? ये लाइनें इसमें बचेंगी। और ये हमें कैसा दिखता है कि ये लाइन ऐसे जा रही है टुवर्ड सेंटर, ये डायरेक्शन कैसी है? रेडियली आउटवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसा होता है, एक्चुअली कैसा होता है आपने पहले बनाया, लेकिन हमें कैसा दिखेगा? इस तरह से ये ब्लैंक स्पेस। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये वाली लाइन के सामने ये लाइन है, इस लाइन के सामने ये लाइन है, इस लाइन के सामने ये लाइन है, और जैसे कि बहुत सारे डायमीटर है रेडियस ऐसे फैले। तो ये वाला लाइन देखिए और ये देखिए, ये वाली सब लाइन कैसी है? पैरेलल। ऐसी क्यों बनी? क्योंकि ये दोनों सरफेस कैसी है? प्लेन। ये वाली ऐसी क्यों बनी? क्योंकि ये सरफेस कैसी है? सिलिंड्रिकल। और लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती है, इसलिए जब हमने इसको ऐसा किया तो ये जो लाइन ऐसी निकल रही थी, ऐसा गोल करने से लाइन ऐसी हो गई, ठीक है? तो ये इस तरह से इसमें लाइनें बनी। पहले बीच में सीधा, इस जगह पर 90, इस जगह पर 90, तो अंदर में ये ऐसा, ये लोग बैंड हो गया, हेलो बैंड होता है, लेकिन सरफेस पे कैसा होगा? नहीं, सरफेस पे हमेशा 90, उसके बाद अंदर जाके वो मुड़ जाएगी, ये वाली पूरी ऐसा यू टर्न ले लेगी, ठीक है? ओके, अब देखिए इस फील्ड में और इस फील्ड में क्या डिफरेंस है। ये वाला कॉइल जब यहां पर ऐसे होगा तो फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है? जीरो। और जब ये घूमकर ऐसे हो जाएगा इस तरह से तो ये फील्ड के साथ 45 डिग्री बनाएगा। यहां से इसने घूमना शुरू किया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल इसका हमेशा बदलते जा रहा है। अब यहां आइए, यहां पर ये हमने कॉइल को रखा, बताइए कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है? जीरो। अब इसको हमने थोड़ा सा घुमाया और ये कॉइल ऐसी हो गई, ये। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है कॉइल, कितना एंगल बनता है? उसके बाद ये और थोड़ा सा हमने घुमाया, यहां पर आ गया दिस एंड दिस। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेंगे? जो कॉइल से पार होता है,
ये मैग्नेटिक फील्ड कॉयल में जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये कॉयल है। अब कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है, इसका ये मतलब है कि कॉयल कितना भी घूमे 10 डिग्री 12 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगी, हमेशा। क्यों हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस कॉइल का जो टॉर्क होता है उस टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे पास एम आई बी के साइन थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए। अगर ये कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा परपेंडिकुलर, ये रहा बी और ये रहा एरिया वेक्टर ए, कितना एंगल है 90। जब ये कॉइल यहां पर आएगी तो ये एंगल ये वाला बी और ये वाला ए कितना एंगल होगा 90। जब ये कॉइल घूमकर यहां आ जाएगी तो ये है एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, फिर उसके बीच का एंगल कितना 90। इसका मतलब एंगल बिटवीन बी एंड ए विल ऑलवेज रिमेन 90, ये जितना भी घूम जाए। तो हर लोकेशन पर थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। यहां पर देखिए अगर हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाते तो क्या थीटा हर जगह 90 होता, नहीं हो सकता था। सिर्फ इसके लिए एरिया वेक्टर ये है और ये बी की डायरेक्शन है तो 90, पर जैसे ही ये घूमेगा तो इसका बी के साथ में एंगल चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर हम थीटा को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, एक ही वैल्यू रखना चाहते हैं चाहे वो जितना भी घूम जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आंसर है हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करना चाहिए। सो व्हाई डू वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आंसर इज सो दैट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन ए कॉन्स्टेंट दैट इज 90 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। नंबर वन, व्हाट इज ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आंसर ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड is made, the radial magnetic field is made with help of cylindrical magnetic poles by placing a metal cylinder within it. The direction of magnetic field is, the direction of magnetic field is towards the center or away from center. Therefore, it is in the direction of radius. Therefore, it is in the direction of radius. Hence, it is called radial field. Okay, उसके नीचे लिखिए benefit. When a coil rotates in a radial magnetic field, the angle between area vector and magnetic field is always 90 degree.
is always 90 degree, and therefore torque is NIVA. Torque is NIVA, which is independent of angle of rotation theta, which is independent of angle of rotation theta. इसका ये मतलब है कि थीटा से टॉर्क को कोई अंतर नहीं पड़ता है, भले वो एक डिग्री घूमे, दो डिग्री घूमे, चार डिग्री। अब हमारा टॉर्क जो गैल्वेनोमीटर कॉइल बना सकती है सिर्फ किस किस पर डिपेंड करेगा, एन आई बी और ए। थीटा पर अब डिपेंड नहीं करेगा, उसको हमने परमानेंटली वन कर दिया साइन थीटा। ये काम किससे किया हमने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। This is importance of radial magnetic field. Okay. उसके बाद next working. Working में note करिए, when current I flow through galvanometer, a torque is created that torque is equal to NIVA. What is N? Number of turns. I, current. V is magnetic field strength. A is area of the coil. Okay. This is the torque created on it. Due to this torque, the coil tries to rotate. When it rotates, the hair spring at the bottom and phosphor branch at the top, they get twisted. दोनों घूमेंगे, जब ये घूमेगा, ये वाले स्प्रिंग का एक एंड हमने फिक्स किया हुआ है और दूसरा एंड कॉइल के साथ लगाया हुआ है, तो जैसे ही कॉइल घूमेगी ये स्प्रिंग टाइट होगा, ये वाले का एक एंड हमने यहां पर फिक्स किया हुआ है और दूसरे एंड के साथ कॉइल, तो जब भी कॉइल घूमेगी ये वाली पट्टी ऐसा घूमेगी तो इसमें भी टॉर्शन होगा और ये भी उसको अपोज करेगी, ठीक है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पैरा, both the springs create an opposing torque in reaction with rotation this torque goes on increasing। ये बात समझ में आ रही है, स्प्रिंग को जैसे जैसे टाइट करेंगे, शुरू में तो सॉफ्ट होगा और थोड़ा टाइट करेंगे तो ज्यादा टॉर्क हो जाएगा उसका, और टाइट करेंगे तो ज्यादा टॉर्क हो जाएगा, इस तरह से उसका टॉर्क बढ़ते जाता है। इसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी एस्टेब्लिश करते हैं या इमेजिन करते हैं कि एक डिग्री स्प्रिंग को घुमाने से वो कितना टॉर्क क्रिएट करेगा, दोनों स्प्रिंग मिला के, सब मिला के।
So देखिए let K be the let K be the torque per unit rotation. Torque per unit rotation angle created by opposing springs. जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स के लिए है, ये के किसके लिए है, टॉर्क के लिए. एक डिग्री घुमाएंगे तो उस स्प्रिंग में कितना टॉर्क आ जाएगा, के. दो डिग्री घुमाएंगे तो टू के, थ्री डिग्री से थ्री के. जैसे जैसे डिग्री बढ़ते जाएगी इसका टॉर्क बढ़ते जाएगा. लेकिन क्या कॉइल का टॉर्क बढ़ रहा है? आंसर है नो. कॉइल के घूमने से उसका टॉर्क नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको हमने इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कर लिया है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से. उसका टॉर्क कांस्टेंट है. तो टॉर्क ऑफ द कॉइल कितना है, एन आई पी ए. टॉर्क ऑफ द स्प्रिंग जो उसको अपोज करता है वो है के मल्टीप्लाइड बाय फाइव. व्हाट इज फाइव? एंगल ऑफ रोटेशन. ये फाइव जब वन डिग्री होगा तो ये टॉर्क कितना होगा, वन के. थ्री डिग्री होगा तो थ्री के, और फाइव डिग्री होगा तो फाइव के. दिस गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, इसके बाद देखिए when the value of phi becomes so large that the torque created by spring become equal to torque by the become equal to torque by the coil. Torque by the coil, then resultant is zero and the coil stops rotating. In this equilibrium condition, the torques are equal, therefore NIPA is equal to K5. NIPA is equal to K5. NIPA किसने क्रिएट किया? करंट के कारण कॉइल में. K5 किसने क्रिएट किया? स्प्रिंग में, जो कि फाई के साथ साथ बढ़ते गया. बढ़ते बढ़ते जब ये इसके बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम में आ गए और उसका घूमना बंद हो गया. दिस इज द सिचुएशन. ओके, जब ये ऐसा घूमेगा, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तो उस समय कॉइल कैसी है? तो आंसर है उस समय कॉइल ऑलरेडी 5 डिग्री घूम चुकी है और उसका जो इंडिकेटर है ये भी 5 डिग्री घूम चुका होगा. ओके, देयरफॉर I is equal to K upon N B A into phi. In this expression, K, comma, N, comma, B
and A are constants, constants of the galvanometer, constants of galvanometer. Therefore, I is proportional to phi. I is proportional to phi. That is, current is directly proportional to, that is, current is directly proportional to angle of rotation. And we don't have to, and we don't have to calculate any trigonometric ratio. We don't have to calculate any trigonometric ratio. कि tan theta होगा या sin theta होगा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये direct इसके proportional है phi. यानी 2 degree पर जो current होगी, 4 degree पे जो करंट आएगी वो उससे डबल होगी, क्योंकि 2 degree से 4 degree डबल है. तो ये phi के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, ओके. उसके बाद देखिए, द कांस्टेंट k अपॉन एन बी ए, द कांस्टेंट k अपॉन एन बी ए इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. Next para, the galvanometer is calibrated. The galvanometer is calibrated for different values of I and phi. I and phi. And accordingly. Measurements are written accordingly. Measurements are written on the circular scale. Circular scale on which a pointer moves in rotation. On which a pointer moves in rotation. ये यहां पर ये स्केल है, यहां बीच में 0 रहेगा और आसपास इसकी रीडिंग्स. Galvanometer is a very sensitive device and it can sense even a very small current. It can sense even a very small current. The sensitivity of galvanometer is measured in two terms, current sensitivity and voltage sensitivity. The current sensitivity of galvanometer, sensitivity of current, this is given by
रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक जैसी करंट देने से जिसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा मानी जाएगी। सो दिस इज रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और अब यहां पर हम करंट का फॉर्मूला रखते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है? के अपॉन एम वी ए फाइ। सो दिस वी राइट एज फाइ अपॉन के, फाइ अपॉन एम वी ए। दिस इज इक्वल टू फाइ कैंसर, एम वी ए ऊपर चला जाएगा, एम वी ए अपॉन के। दिस इज करंट सेंसिटिविटी। इसको हम एस सी की बजाय आई लिख लीजिए, बिकॉज आई इज वेल नोन फॉर करंट। सो सेंसिटिविटी फॉर करंट इज गिवन बाय एम बी ए अपॉन के इन ए गैल्वेनोमीटर। और सेंसिटिविटी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, फाइ अपॉन आई। लेकिन जब हम इसको कैंसिलेशन करते हैं तो दिखता है कि गैल्वेनोमीटर के ये वाले फीचर डिसाइड करते हैं कि सेंसिटिविटी कितनी होगी। ओके, नाउ सेंसिटिविटी अगर हमको गैल्वेनोमीटर की बड़ी अच्छी चाहिए, थोड़ी सी भी करंट दे और उसे इंडिकेशन दिखाना चाहिए, ये हम चाहते हैं। अगर हमको सेंसिटिविटी अच्छी बनानी है तो गैल्वेनोमीटर बनाते समय कौन सा फीचर, कंस्ट्रक्शन का कौन सा फीचर हमको ज्यादा रखना चाहिए, कौन सा कम रखना चाहिए, वो आप इस फॉर्मूले को देख के बताएंगे। इफ द सेंसिटिविटी हैज टू बी गुड, नंबर ऑफ टर्न शुड बी लार्ज, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, एरिया शुड बी लार्ज एंड के शुड बी स्मॉल। व्हाट इज के? Yes, torsional constant or the torque constant of the spring. वो कैसा होना चाहिए? कम। कम होना चाहिए मतलब जो हम नीचे में स्प्रिंग लगाते हैं, ये वाला स्प्रिंग, ये स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होने से क्या है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा, यानी उसका के बहुत कम होगा। तो के कम होने का मतलब क्या है? स्प्रिंग का सॉफ्ट होना। के ज्यादा होने का मतलब हार्ड होना, क्योंकि फोर्स और टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट? सो लिखिए, फॉर बेटर करंट सेंसिटिविटी, फॉर बेटर करंट सेंसिटिविटी, नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी लार्ज, नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी लार्ज, मैग्नेट्स शुड बी stronger, magnets should be stronger, area should be large, area of the coil should be large, and the hair spring should be softer, the hair spring should be softer. ठीक है, सो दिस इज करंट सेंसिटिविटी। देन यू कैन राइट डाउन वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। दिस इज सेंसिटिविटी, वोल्टेज इज इक्वल टू फाइ अपॉन V. Phi upon V को हम क्या लिख सकते हैं? Phi upon V is equal to I into R. और Phi upon I को हमने पहले लिखा हुआ है N B A upon K. सिर्फ ये R और आ जाएगा, so this will be N B A upon R. So this is voltage sensitivity of galvanometer.
तो अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमको और क्या देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कैसा हो, रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है, कैमिलोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ऐसा होता है, यही फॉर्मूला है ना। ओके, तो अगर एरिया को क्या करने से रेजिस्टेंस कम होगा, बढ़ाने से, इसका ये मतलब है कैमिलोमीटर की तार को अगर हम मोटा कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाने से उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट लिखिए फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट। गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस and for a very small current the deflection increase, for a very small current the deflection increase, when deflection of the pointer reach end of the scale, when deflection of the pointer reach end of the scale, a pointer yahan pahunch gaya, then when reflection reaches end of the scale, the value of current is the maximum value which can be measured through a particular galvanometer. It is the maximum value of current which can be measured through a particular galvanometer. ओके, इसका ये मतलब है, देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया, कोई करंट नहीं थी, 1 mA यहां चला गया, 2 mA यहां चला गया, 3, 4 mA में ये यहां चला गया, इसके बाद यहां पर एक पैक लगा हुआ है ऐसे, और उसमें जाकर ये ऐसे टिक जाता, अब ये उसके आगे नहीं जा सकता 4 mA सपोज। अब अगर हम उसको 5 देंगे तो वो वही रहेगा, 6 देंगे तो भी वही रहेगा, इसका मतलब है हम उसको कहां तक यूज कर सकते, 4 तक, 1, 2, 3, 4 बस। ये वाली जो करंट होती है, द मैक्सिमम करंट व्हेन इट गोज टू द एक्सट्रीम इज नोन एज मैक्सिमम करंट बाय गैल्वेनोमीटर और फुल स्केल करंट, दिस इज नोन एज फुल स्केल करंट। और फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल करंट और फुल डिफ्लेक्शन करंट, और इसके लिए हमने एक इंडिकेशन बनाया IG, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इफ फुल स्टॉप पर नेक्स्ट पैरा लिखिए, इफ ए लार्जर करंट इज अलाउड थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन देयर विल बी डैमेजेस फुल स्टॉप, आइदर द पॉइंटर विल ब्रेक डाउन, either the pointer will break or the coil will burn out,
or the coil will burn out due to heat generated. Coil will burn out due to heat generated. ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम करंट कितनी दे सकते हैं IG, और उस समय वो कितनी वैल्यू दिखाएगा, फुल रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये आपने पढ़ा गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या होती है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या सेंस करता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है नहीं है, कितनी है, ये हमको दिखाता है। गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड फॉर्मूलाज आपने पढ़े, आई किसके प्रोपोर्शनेट होता है, फाइव। उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, ये गैल्वेनोमीटर हम लोग लैब में यूज करते हैं। लैब में जो आप गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज वेस्टर्न लाइट गैल्वेनोमीटर। अंदर में मशीन यही रहती है और बाहर में एक प्लास्टिक का ब्लैक बॉक्स रहता है जो आपको दिखता है। उसमें आप देखेंगे बीच में जीरो है, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, दोनों तरफ करंट के निशान है और इसमें जी लिखा रहता है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है, लेकिन इसमें कुछ हैंडीकैप है। अगर हम करंट मेजर करना चाहते हैं, एक सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, दूसरे सर्किट में 12 एम्पियर है, तीसरे में 15 एम्पियर है, और हम तीनों को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल करंट वो सिर्फ हाफ एम्पियर है, तो ना तो वो 10 को नाप सकती है, ना 12 को, ना 15 को। करंट को नापने के लिए हम जो भी डिवाइस लगाएंगे वो उसके एम्पियर्स को नापेगी, तो उस डिवाइस का नाम होगा एम्पियर मीटर या एमीटर शॉर्ट। तो अभी तो ये हमने करंट नापने के लिए बनाया, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन है आईजी, उससे ज्यादा करंट ये नहीं नाप सकते। तो करंट को नापने के लिए हम इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो हमारी डिवाइस बनेगी वो बड़ी बड़ी करंट को भी नाप सकती है, और उस डिवाइस का हम नाम क्या कर देंगे, एम्पियर मीटर या एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा कन्वर्शन करके हम उसे क्या बना लेते हैं, एमीटर। इसी तरह से अगर हमको दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापनी है, तो वो वोल्टेज 1 वोल्ट भी हो सकती है और वो वोल्टेज 1000 वोल्ट भी हो सकती है, लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और 1 वोल्ट के लिए डिजाइन है और उसको 1000 में लगाएंगे, तो इतनी ज्यादा करंट जाएगी कि गैल्वेनोमीटर तुरंत चल जाएगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग एज इट इज वोल्ट मीटर की जगह भी यूज नहीं कर सकते, उसमें फिर हमको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और चेंज करके उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो नाउ वी विल स्टडी हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम्पियर मीटर एंड हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट लीजिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पियर मीटर। गैल्वेनोमीटर से हम ये दो डिवाइस बनाते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। मैं दोनों को साइड बाय साइड लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा क्या डिफरेंस है, एक का पॉइंट दूसरे में नहीं जाएगा। एमीटर इसलिए है टू मेजर करंट एंड दैट इज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को सर्किट में किस तरह से लगाया जाता है उसे देखिए। ये एक सर्किट है, इस सर्किट में हमने करंट को मेजर करना है, वो सर्किट को हम ऐसे ब्रेक करेंगे और यहां पर एमीटर लगाएंगे। तो हमको मालूम है एक ब्रांच में फुल करंट, ये करंट हर जगह एक समान होती है, तो इसमें जितनी करंट है एम्पियर मीटर में भी उतनी ही करंट जाएगी, राइट। वोल्ट मीटर को कैसे फिट करते हैं, वोल्ट मीटर को फिट करने के लिए हमको
सर्किट को काटने की जरूरत नहीं होती है। जिस दो पॉइंट के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो यहां दोनों से पैरेलल ये वोल्ट मीटर हम ऐसे यहां फिट करेंगे। तो वोल्ट मीटर को मेन सर्किट में कैसे फिट किया जाता है? पैरेलल टू मेन सर्किट। ये कैसा है? इन सीरीज। फिटिंग का तरीका है, एम्पियर मीटर आप कैसे फिट करेंगे? यहां पर आकर एम्पियर मीटर में तार टर्मिनेट हो जाएगी और फिर यहां से दूसरी तार निकल के इस तरफ आएगी। इसमें क्या होगा? फुल करंट शुड पास थ्रू। क्या होगा? देखिए, इसका रेसिस्टेंस आई आर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इधर ध्यान दीजिए, करंट आई फ्लो हो रही है, इसका रेसिस्टेंस आर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई इंटू आर। अगर इसमें से थोड़ी सी करंट ये ले गया अपने चलने के लिए, तो ये यहां से जाने वाला आई कम हो जाएगा। अगर वो आई कम हो गया तो इसका आई इंटू आर यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, तो ये जो हमको रीडिंग देगा कम वाले पोटेंशियल डिफरेंस की देगा। तो जैसे ही हम वोल्ट मीटर लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सही पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि ये जो करंट ले जाता है वो करंट कैसी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, ताकि इसके पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस मत आए। तो दिस नो करंट शुड पास थ्रू। अब अगर हम एकदम सही वोल्टेज चाहते हैं तो इसमें कितनी करंट जानी चाहिए? आंसर है जीरो। हालांकि आइडियली प्रैक्टिकली जीरो करंट में वो चलता नहीं, लेकिन अगर हमको बोला जाए एकदम आइडियल वोल्ट मीटर हमें चाहिए, तो हम क्या चाहेंगे? करंट कितनी हो? जीरो। तो जीरो करंट कब होती है किसी चीज में? जब उसका रेसिस्टेंस कितना होता है? इंफिनिटी। सो फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर व्हाट शुड बी रेसिस्टेंस? इंफिनिटी फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। Resistance should be infinity. अब इसे देखिए, इसमें एक रेसिस्टेंस आर है, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ई है, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या है? ई अपॉन आर। अब हमने इसके सीरीज में क्या लगा दिया? एक इस ए का अपना भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, वो रेसिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आ गया। अगर वो रेसिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आ गया तो वो ये एमीटर का रेसिस्टेंस आ गया। अब करंट कैसी हो गई? कम हो गई। तो एम्पियर मीटर लगाने से हमेशा करंट क्या हो जाती है? कम। अगर करंट को कम नहीं करना है,
सही सही नापना है तो इसको क्या होना चाहिए? जीरो। अगर बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो हमारा एम्पियर मीटर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी आइडियल एम्पियर मीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, फॉर आइडियल एम्पियर मीटर, फॉर आइडियल एमीटर रेसिस्टेंस शुड बी जीरो। दोनों पॉइंट देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? इंफिनिटी। फॉर आइडियल एमीटर रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? जीरो। ये कैसे फिट होता है सीरीज में? वो कैसे फिट होता है? पैरेलल। ओके, इसमें फुल करंट जानी चाहिए, जरूरी है, और इसमें बिल्कुल करंट नहीं जानी चाहिए। ये इनके फिटिंग के तरीके हो गए एक्सटर्नल। और कोई पॉइंट तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कि ये बनते कैसे, इसके अंदर में क्या होता है। तो एम्पियर मीटर के अंदर में एक कैल्विनोमीटर होता है इंटरनल, इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक ये इसको शॉर्ट करने के लिए एक बाईपास आपने लगा दिया, ये बाईपास लगा दिया। तो इधर से जो करंट आएगी, ये वाली करंट जो यहां से आती है, ये बाईपास से भी जाती है और गैल्वेनोमीटर से भी जाती है। गैल्वेनोमीटर से कितनी जाएगी, बाईपास से कितनी जाएगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम इसका रेजिस्टेंस कैसा रखते हैं। अगर हम इसका रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो ज्यादा करंट उसमें से जाएगी जहां कम रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को बहुत कम रखते हैं। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल करंट है हाफ एम्पियर, हमको एक सर्किट नापना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट हो सकती है 10 एम्पियर, उसके नीचे ही रहेगी, भले 2 हो, भले 6 हो, भले 10। जब वो 10 एम्पियर करंट भेजेगा, हम अपना स्केल फुल करेंगे और इस फुल स्केल में यहां पर जब ये फुल स्केल आएगा तो हम यहां लिख देना चाहते हैं 10 एम्पियर। शुरू कहां से करेंगे? जीरो से, और फुल स्केल आएगा तो कितना लिखेंगे? 10 एम्पियर। लेकिन गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट चाहिए? हाफ एम्पियर फुल स्केल पे आने के लिए। इसका ये मतलब है हम भेज तो रहे हैं 10 एम्पियर, दिखा भी रहे हैं 10 एम्पियर, लेकिन गैल्वेनोमीटर से कितना ले जाना चाहते हैं? हाफ एम्पियर, क्योंकि उसके बाद वो जल जाएगा। तो बाकी 9.5 एम्पियर कहां से ले जाएंगे? ये बाईपास से ले जाएंगे। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? शंट करना। रेलवे में आप सुनते हैं शंट करना, मतलब एक छोटे से रास्ते से निकाल देना, जिसको हम लोग शहर में बाईपास बोलते हैं। तो ये शॉर्टकट है, बाईपास है, शंट करना है। तो फिजिक्स में हम लोग उसके लिए शंट यूज करते हैं। सो दिस इज ए शंट, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा जाएगी। करंट कहां से जाना पसंद करती है? जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, सो दिस इज ए शंट विद लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस ये एस वैल्यू। अब इसमें से यहां से देखिए हम करंट कितनी भेज रहे हैं आगे। मान लो पूरी की पूरी 10 एम्पियर यहां से जा रही है, उस समय गैल्वेनोमीटर में से हम कितनी करंट अलाउ करेंगे? तो आंसर है इसमें हम करंट अलाउ करेंगे IG,
तो शंट में कितनी करंट जाएगी? I माइनस I, और यहां से फिर दोनों करंट आपस में मिल गई, फिर से करंट कितनी निकल गई? I। तो गैल्वेनोमीटर से शंट को पैरेलल में लगाने से जो आई करंट आती है उसका एक छोटा सा हिस्सा इसमें से जाएगा और बाकी हिस्सा शंट में से चला जाएगा। ये हमारी इच्छा है, शंट को हम जितना छोटा करते जाएंगे उतनी ज्यादा करंट शंट में से जाएगी और बाकी करंट गैल्वेनोमीटर से चली जाएगी। गैल्वेनोमीटर से आई से ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए। ओके, अब यहां पर इस शंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला देखिए, इसका रेसिस्टेंस है एस, इसका रेसिस्टेंस है जी और ये करंट है आई, इसकी करंट है आई जी। ये दो पॉइंट देखिए, इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है? आंसर है शंट के अक्रॉस भी है और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी है। अगर हम इधर से कैलकुलेशन करेंगे करंट इनटू रेसिस्टेंस तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इधर से करेंगे तो भी यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और दोनों पोटेंशियल डिफरेंस आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो हम कर लेते हैं, इधर की करंट कितनी है? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय एस, दिस इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी। ये इक्वेशन बन गया। व्हाट इज जी? रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हमने मान लिया। अब इसमें से ये जो बेसिक चीज बनी है किससे बनाई है? इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। इसी को बुक्स में अलग अलग चीजें निकाल दी जाती, जैसे अगर हम कहेंगे एस की वैल्यू निकालनी तो ठीक है, इसमें से एस को आइसोलेट कर दीजिए, एस कितना हो जाएगा? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई पर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? शंट की वैल्यू का। आई क्या चीज है? आई इज द करंट जिसका एम्पियर मीटर हम बनाना चाहते हैं, इस सर्किट की करंट आई, ठीक है। सो आई इज द करंट टू बी मेजर, लिख लीजिए आई इज द रेंज, आई इज द रेंज ऑफ करंट टू बी मेजर। आई जी इज फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसी फॉर्मूले को हम आई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको यदि आप आई में कन्वर्ट करना चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन किया, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, इसको इधर ले गए प्लस आई जी इंटू एस, आई जी कॉमन निकला, ब्रैकेट में जी प्लस एस इक्वल टू यहां होगा आई इंटू एस डिवाइडेड बाय एस, ये क्या आ गया? आई। ओके, तो एक डेरिवेशन ये भी, ये किसका है? करंट। तो आप चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, कोई भी यूज करें, फंडामेंटल हमको याद क्या है कि दोनों पॉइंट की वोल्टेज कैसी होती है बराबर, इसलिए ये इक्वेशन फंडामेंटल। इसके जब न्यूमेरिकल्स आप बनाने जाएंगे तो उस न्यूमेरिकल में ये जो आई माइनस आई जी है ये आपको परेशान करता है। किस तरह से परेशान करता है देखिए, उसमें मैं आपको याद दिला दूं,
हम एक एम्पियर मीटर बनाना चाहते हैं जिसका रेंज 0 टू 10 एम्पियर है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। ये इस फॉर्मूला में कहा है आई, वो क्या चीज है? आई, ठीक है। 10 एम्पियर रेंज लिखा होगा या 0 टू 10 एम्पियर लिखा होगा या मैक्सिमम 10 एम्पियर लिखा होगा, सबके लिए हम आई की क्या वैल्यू लेंगे? 10। दिस इज द मैक्सिमम करंट, 10 माइनस। अब उसमें लिखा है द फुल स्केल करंट फॉर गैल्वेनोमीटर इज 5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर को डेसिमल में बताइए कितना होता है? 0.005, ठीक है, 5 मिली या सिर्फ 0.5 होगा? 0.005, ओके। अब इसको माइनस करके कितना आंसर आएगा? 9.995। उसके बाद किससे डिवाइड करना है? आई जी से डिवाइड करना है। 0.005 डिवाइडेड बाय 9.995, इसको आपने डिवाइड किया, आपके 5 मिनट गए। तो एक चीज याद रखिए, 11th में कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं जो यूज करना है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज जो उस समय इंपॉर्टेंट नहीं लगती वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप 10 में से 0.005 को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है? 10। क्यों? ये आपका आंसर आया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? दो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक। तो आपको अपने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट देने पड़ेंगे? दो। एक कम वाला, इसमें एक है ना और इसमें दो है, तो इसलिए अगर आप एक सिग्निफिकेंट फिगर देंगे तो भी काम चलेगा। अब इसको कन्वर्ट करिए एक सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 10। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एक, ये वाला वन है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, जब आप आई माइनस आई जी करते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, इसको डिस्कस कर लीजिएगा, आई माइनस आई जी करते हैं और आई जी बहुत छोटा होता है तो माइनस करने का कष्ट मत करिए, उसको सीधा का सीधा आई लिख दीजिए, ठीक है। तो आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं अगर आई जी बहुत छोटा है। सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर से हमने पढ़ा है, तो ये आपका बहुत आसान हो जाएगा और ये फॉर्मूला इतना सा रह जाएगा बस। लेकिन लिखते इसलिए हैं क्योंकि होता है, हो सकता है ये इतना छोटा ना हो। ओके, तो इस तरह से ये क्या चीज बनी? एम्पियर मीटर। अब एम्पियर मीटर में हम एस की वैल्यू निकाल के यहाँ लगाएंगे और इसमें से जितनी मर्जी करंट भेज दें, हम चाहे तो 10 एम्पियर का बनाए चाहे 100 एम्पियर का बनाए, क्योंकि अब हम इसको ऐसा फिट करेंगे कि इसमें हाफ एम्पियर से ज्यादा नहीं जाएगी, जो कि इसका आई जी है, इसलिए हमारे गैल्वेनोमीटर को कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम इसको 10 एम्पियर का बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10। जब 5 एम्पियर का बनाएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5। 100 का बनाएंगे तो यहाँ 100। समझ में आ रहा है? इस तरह से एम्पियर मीटर बनाया जाता है। अब वोल्ट मीटर को देखिए, वोल्ट मीटर और भी इससे आसान है। वोल्ट मीटर के अंदर ये एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेसिस्टेंस, और ये हमारा वोल्ट मीटर बन गया। इन वोल्ट मीटर व्हाट डू वी फिट? ए हाई रेसिस्टेंस। कैसे लगाते हैं? सीरीज में,
रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसमें हमने कैसा रेजिस्टेंस लगाया था, लो रेजिस्टेंस सीरीज की पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसमें वोल्ट मीटर, हर चीज उल्टी रहेगी। ओके, अब ये हमारा वोल्ट मीटर है और इसको हमने इस तरह से सर्किट में लगाया और इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V, जिसको हमने नापना है। इस V के कारण इसमें करंट फ्लो होगी। अब देखिए, इसमें पैरेलल रास्ता नहीं है, ये दोनों सीरीज में है, जो भी करंट जाएगी दोनों में से जाएगी, गैल्वेनोमीटर में से भी वही करंट जाएगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर में हम कितनी करंट अलाउ कर सकते हैं, IG, उससे ज्यादा करंट अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमने एक वोल्ट मीटर बनाना है 200 वोल्ट का, तो जब हम 200 वोल्ट लगाएंगे उस समय जो करंट जाएगी वो कितनी होनी चाहिए, IG, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पर वोल्टेज का रेंज V लगाते हैं, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज V लगाते हैं, तो यहाँ पर जो करंट जा रही है वो कितनी होती है, IG। उस समय इस पूरे का रेसिस्टेंस कितना है, R प्लस G। कितना रेसिस्टेंस है, R प्लस G। ये रहा रेसिस्टेंस, ये रहा करंट, ये रही वोल्टेज। इक्वेशन बना दीजिए, तो क्या होगा इक्वेशन, V इज इक्वल टू R प्लस G इंटू I. This is the equation for voltmeter. That's all. बस ये एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन हमसे पूछा क्या जाता है, R की वैल्यू, कि रेसिस्टेंस कितना लगाया जाएगा, तो इसमें से आइसोलेट कर सकते हैं हम। अगर इसमें से आइसोलेट करेंगे तो पहले IG को इधर ले आएंगे, V upon IG minus G. This is R. इस तरह से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ का इक्वेशन क्या होता है, करंट IG इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, या वोल्टेज इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू करंट, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। अब इसमें और इसमें देखिए, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसमें क्या है, लो रेजिस्टेंस से पैरेलल, दोनों चीजें उल्टी है। ये सर्किट में कैसा फिट होता है, सीरीज में, इसके अंदर का रेजिस्टेंस कैसा है, पैरेलल। ये सर्किट में कैसा फिट होता है, इसके अंदर का रेजिस्टेंस सीरीज। तो ये सारे फीचर आप देखिए, हर फीचर एक दूसरे से उल्टा होता है, ये दोनों आपको याद रखना। ओके, अब एक क्वेश्चन नोट करिए, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, ये मैंने आपको क्या बताया, जी। इट इज टू बी कन्वर्टेड, it is to be converted now 100 ohm and full scale current is 10 milliampere, full scale current is 10 milliampere. How will you convert this galvanometer into an ampere meter of range 10 ampere and a voltmeter of range 500 volt. तो ये मैंने आपको किसकी वैल्यू बताई,
आई पी और वी, ठीक है। अब आपको बताना है कि करना क्या है, तो आपका आंसर कैसा चलेगा? To convert it into ampere meter, we will fit a shunt of so many ohms in parallel to galvanometer. ये जो है shunt in parallel to galvanometer, ये आपने अपने नॉलेज से लिखा, क्या देख के लिखा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं? एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर के आंसर में क्या लिखोगे? So much of resistance will be fitted in series with galvanometer. In series with galvanometer, ये आपने अपने नॉलेज से लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर में इन सीरीज लगेगा, ठीक है। अब आप S की वैल्यू निकालिए और R की वैल्यू निकालिए, दोनों फॉर्मूलाज आपके पास हैं। तो हमने ये फॉर्मूला देखा, IG को लिखना है 10 मिली एम्पियर, दिस इज 10, दिस इज मिली, 10 मिली डिवाइडेड बाय करंट I की वैल्यू 10 एम्पियर से जब माइनस मिली करेंगे, दैट इज नेग्लेक्टेड, उसको हमने छोड़ दिया। सो दिस इज 10, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विद रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इसको करने से कितना आंसर आया? 0.1 आंसर। इसका यूनिट बोलिए, एस क्या है? रेसिस्टेंस। तो दिस इज ओके। अब आर की वैल्यू, आर जा रहे हैं बाय टाइम। दूसरे तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं
कि हमको एक एम्पियर मीटर दिया गया, उसका रेंज 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर का एम्पियर मीटर है, और हमने उसको 15 एम्पियर के एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब आप कहेंगे इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो पहले हमको गैल्वेनोमीटर का कुछ निकालना पड़ेगा, फिर एमीटर बनाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं। जो एमीटर हमको दिया गया है वो 2 एम्पियर पे फुल रेंज दिखाता है। गैल्वेनोमीटर में आईजी हमको क्या देती है? फुल रेंज। तो ये वाला जो एमीटर 2 एम्पियर वाला है, इसको हम गैल्वेनोमीटर ही मानेंगे, और उसमें आईजी की वैल्यू कितनी लेंगे? 2 एम्पियर। ट्रीट इट एज 2 एम्पियर, और उसका जो भी रेसिस्टेंस होगा, उस एम्पियर मीटर का टोटल रेसिस्टेंस, दैट विल बी टेकन एज कैपिटल जी। ठीक है, सो वन एमीटर कैन बी ट्रीटेड एज ए गैल्वेनोमीटर। पूरा सिस्टम एक गैल्वेनोमीटर मानेंगे और उस पूरे के साथ एक शंट लगा देंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एमीटर। इस तरह से गैल्वेनोमीटर की जगह एक एमीटर को भी एक दूसरे एमीटर में, एक दूसरे वोल्ट मीटर में इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके मिले जुले क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करिए, और ये काफी आसान क्वेश्चन है, और ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, और एग्जाम में जरूर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है और सबसे बनता भी है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। एक चीज खाली है कि टाइम के अनुसार इसमें थोड़े से वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन मतलब शब्दों को इस तरह से उलट पलट कर दिया जाएगा कि थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगा कि रेंज कहाँ दिया है इसमें, और हमसे कौन सी करंट के बारे में पूछ रहे हैं। वो अगर आप दो चार बुक्स में से कंसल्ट करके क्वेश्चंस बनाएंगे तो सब तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। बेसिकली आपको यही चीजें याद रखनी है। और इसमें वन मार्क क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, बोलिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ छह छह पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए। वन मार्क, देखिए वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर एग्जाम में जरूर आता है। वन मार्क टू मार्क क्वेश्चन उसकी प्रॉपर्टीज पे आ सकते हैं, थ्री मार्क क्वेश्चन कन्वर्शन पे आ सकते हैं, लेकिन आता जैसे एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के क्वेश्चन पक्के आते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में भी आ सकते हैं, ठीक है, कि रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज की पैरेलल, सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, वोल्ट मीटर के अंदर रेसिस्टेंस कैसा होता है, सीरीज में होता है। यही छह पॉइंट आप याद करेंगे कंपेयर करके, तो आपसे सब क्वेश्चन बनेंगे, एंड इट्स वेरी गुड, वेरी स्कोरिंग।